ओम नमः शिवाय। जय श्री रामचंद्र। आज हम इस लेक्चर में चर्चा करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह, हमारी जीवन धारा, ग्रहों के राजा सूर्य देव के बारे में। और वह सूर्य देव हमारे शरीर के भीतर भी विद्यमान है, सूर्य नाड़ी के रूप में। सूर्य नाड़ी के स्थान पर हम जब चाहें उनकी ऊर्जा का प्रयोग अनेक कार्यों के संपन्न होने के लिए कर सकते हैं, अनेक कार्यों की सिद्धि के लिए कर सकते हैं। लेकिन सूर्य देव से काम करवाना कोई आसान तो ना होगा, सूर्य देव को वश में करना आसान तो ना होगा। इसके लिए जरूर कुछ साधना करनी होगी। तो पहले आकर ये समझ लेते हैं कि स्वर को बदला कैसे जाए, फिर हम चर्चा करेंगे कि सूर्य नाड़ी के, सूर्य स्वर के लाभ क्या हैं और किस तरह से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपको यह समझ नहीं आएगा कि सूर्य और चंद्र स्वर को परिवर्तित कैसे किया जाए, चंद्र से सूर्य और सूर्य से चंद्र स्वर, या दोनों से मध्य स्वर यानी कि सुषुम्ना नाड़ी में कैसे आया जाए, तब तक आप इस विषय को धुंधला धुंधला ही समझ पाएंगे। जब ये एक बार स्पष्ट हो जाएगा कि किस तरह से हम स्वर को बदल सकते हैं, उसकी कुछ विधियां हैं आपको मैं अभी बताता हूँ, और उसके बाद हम फिर दोबारा चर्चा करेंगे कि सूर्य नाड़ी के लाभ क्या हैं। कमर सीधी करके बैठें और स्वर को चेक कर लें कौन सा स्वर जागृत है। जिस स्वर को आप बदलना चाहते हैं उस स्वर को ऊपर की ओर रखें, जिसको आप खोलना चाहते हैं, और खुले स्वर को नीचे की ओर रखें। जैसे मेरा अभी बायां स्वर खुला है, दायां स्वर बंद है, तो मैं दायां स्वर को खोलने के लिए बाईं ओर झुका हूँ। और लंबी गहरी श्वास लेनी है आपने, और इसी प्रकार से अपने कान को कंधे के पास लाने का प्रयास करें, तो आप दूसरी तरफ से भी अपने स्वर को बदल पाएंगे। लंबी गहरी श्वास लेनी है और छोड़नी है, लंबी गहरी श्वास लेनी है और छोड़नी है, बस यही अभ्यास करना है। और दोनों नासिकाओं से लंबी श्वास लें और छोड़ दें। दूसरी विधि जो कि सबसे आसान विधि है, भूमि पर सीधे लेट जाएं और एक हाथ को अपने सिर के नीचे लगाएं, एक साइड के नीचे लेट जाएं। जो स्वर आप खोलना चाहते हैं उस नासिका को ऊपर की ओर रखें, अर्थात जो स्वर बंद है वो ऊपर रहेगा, जो खुला है वो नीचे रहेगा। और 2 या 3 मिनटों में यह परिवर्तन आप देखेंगे। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा यह समय भी कम होता जाएगा। लंबी गहरी श्वास लें, लंबी गहरी श्वास बाहर निकालें। अब आप बैठकर अपना श्वास, अपना स्वर चेक कर सकते हैं, यह परिवर्तित हो गया है। अब हम इसे दोबारा परिवर्तित करेंगे। एक तरफ लेटकर लंबी गहरी श्वास लेनी है, लंबी गहरी श्वास को बाहर निकालना है। पूरे शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें, श्वास के प्रवाह को अंदर आने दें और बाहर जाने दें। इसी प्रकार लगभग 2 से 3 मिनट का समय जो लगेगा आपका स्वर परिवर्तित हो जाएगा। फिर बैठकर अपना स्वर दोबारा चेक करें, यह बदल गया है। अब दोबारा आप इसको परिवर्तित कर सकते हैं। एक और विधि जो कि थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, जब आपको थोड़ा अभ्यास हो जाएगा तब आप उसको कर पाएंगे। सीधे बैठकर कमर सीधी रखें, दोनों हाथों को घुटनों पर लगाएं और अपने मन में ध्यान करें कि आप अपने सूर्य स्वर को खोलना चाहते हैं। क्योंकि सूर्य स्वर अभी बंद है तो उसे खोलने का प्रयास करते हैं। आपने दाईं स्वर, दाईं तरफ की अपनी जाड़ को थोड़ा सा दबाना है, दाईं जाड़ को दबाना है, और पूरी शक्ति से दाईं स्वर से श्वास भीतर आ रहा है ऐसी कल्पना करनी है। जैसे जैसे आपकी कल्पना बलवती होती जाएगी वैसे वैसे आपका दायां स्वर खुलता जाएगा।
बिना शरीर को कहीं से भी हिलाए, कहीं से भी झुकाना नहीं है, सिर्फ एक जाड़ को दबाना है, जिस स्वर को आप खोलना चाहते हैं उसको, और इसी प्रकार से परिवर्तन कर दें। बाईं जाड़ को दबाएंगे और बाएं नासिका से चंद्र स्वर से श्वास भीतर आ रहा है ऐसी कल्पना करेंगे तो चंद्र स्वर थोड़ी देर में जागृत हो जाएगा। लेकिन यह तब होगा जब आप पहले जो आसान विधियां आपको बताई उनका आपका अभ्यास अच्छे से कर लेंगे, क्योंकि यह थोड़ी एडवांस लेवल की विधि है तो इसको हो सकता है थोड़ा सा आपको समय लग जाए अचीव करने के लिए। तो ये तीन सबसे सरल विधियां हैं स्वर को परिवर्तित करने की। तो अब आप अच्छे से ठीक से समझ गए हैं कि सूर्य नाड़ी से चंद्र नाड़ी तक जाने की यात्रा किस प्रकार की है और चंद्र से सूर्य को कैसे परिवर्तित किया जाए। तो अब जानते हैं हम कि सूर्य नाड़ी के प्रयोग क्या क्या हैं। सूर्य नाड़ी के प्रयोग दो तरह के हैं। पहला प्रयोग स्वास्थ्य की दृष्टि से, दूसरा प्रयोग लाभ की दृष्टि से, तीसरा प्रयोग भी है एक जो ज्यादा लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते अक्सर, वह है साधना की दृष्टि से। लेकिन किसी भी साधना को करने के लिए आपका स्वस्थ होना तो आवश्यक है, तो हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि किस किस तरह के रोग में, किस तरह के रोग निवारण में सूर्य नाड़ी का प्रयोग है और किस तरह से हम सूर्य नाड़ी का प्रयोग करके रोगों का नाश कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लें कि सूर्य का अर्थ क्या है। सूर्य का अर्थ है अग्नि, सूर्य का अर्थ है जीवन, सूर्य का अर्थ है ऊर्जा। जब भी आपको ऊर्जा की आवश्यकता है आप सूर्य की शरण में जाएंगे। जैसे कब जाएंगे ऊर्जा की प्राप्ति के लिए सूर्य की शरण में? जब आपको शरीर में कमजोरी है, जब आप यह महसूस कर रहे हैं, बहुत ठंड महसूस कर रहे हैं सर्दी के मौसम में, आप सूर्य नाड़ी को जागृत करके अपने शरीर में गर्मी ला सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि स्वर को कैसे बदला जाए। उन्हीं विधियों को अपनाकर और सूर्य नाड़ी को जागृत करें और अपने शरीर में ऊर्जा का, गर्मी का संचारण करें। दूसरा, यदि आप सामाजिक रूप से किसी पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहते हैं, जैसे जैसे मैं किसी व्यक्ति से मिलने जाता हूँ जो कि मुझसे अधिक प्रभावशाली है, जब मैं तो किसी ऑफिस में काम नहीं करता, लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में काम करता है तो अगर वो अपने मालिक से, बॉस से मिलने जाता है तो ये निश्चित कर ले कि सूर्य नाड़ी जागृत है। कभी कभी ऐसा भी होता है, आपको पहले ही पता होता ही है कि आज तो मेरे बॉस से मुझे डांट पड़ेगी, आज तो स्कूल में जो टीचर हैं वो जा रहे हैं प्रिंसिपल से मिलने के लिए, उनको पता है पहले आज तो प्रिंसिपल से डांट पड़ेगी। तो आप यह निश्चित कर लें कि आपकी सूर्य नाड़ी जागृत है। जैसे ही आप कमरे में प्रवेश करेंगे, उस व्यक्ति के सामने आएंगे, वह व्यक्ति नरम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके भीतर सूर्य का प्रभाव है। सूर्य के स्पष्ट होने से उसके सामने कोई भी टिक नहीं पाएगा। मेरी बातों का विश्वास आप तब करना जब आपके जीवन में व्यवहारिक रूप से यह बातें सच स्पष्ट हों। इतनी व्यवहारिक और जादू के बराबर लगेंगी ये बातें, जैसे विश्वास ही नहीं होगा एक बार तो आपको। लेकिन जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे आप इस बातों को समझते जाएंगे कि ये सच है, अंधविश्वास नहीं, कहानियां नहीं, बातें नहीं, जादू नहीं, ये प्रयोग है, योग के प्रयोग हैं ये। एक और मुख्य सूर्य नाड़ी का प्रयोग है कि वैसे तो लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, झगड़ा करना तो अच्छी बात नहीं, हम तो अहिंसा के मानने वाले हैं, अहिंसा को जानने और अहिंसा को समझने वाले हैं। लेकिन कभी आप तो आपको ऐसा लग जाए आज तो मुझे गुस्सा दिखाना है, किसी के ऊपर क्रोधित होना है, पर्पसली आपका उद्देश्य है ये आज, तो
तो आप सूर्य नाड़ी को जागृत करके वहां पर उपस्थित हों, जिस स्थान पे आपने गुस्सा करना है, जिस व्यक्ति से आपने लड़ाई करनी है, उस व्यक्ति के सामने सूर्य नाड़ी को जागृत करके जाएं। आपकी जीत निश्चित है, कोई आपको दुनिया में हरा नहीं सकता। और यदि आप बीमार हैं, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं है, दवाई खा रहे हैं, औषधि, और एक और महत्वपूर्ण बात है, जब आप यात्रा के लिए निकलें, यात्रा के लिए जा रहे हैं, यात्रा हमेशा तो नहीं लेकिन आम तौर पर दो तरह की होती है, एक छोटी यात्रा, एक बड़ी यात्रा। छोटी यात्रा वो जो कुछ घंटों के लिए आप घर से निकल रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, शाम को आ जाएंगे, एक घंटे का सफ़र है, फिर एक घंटे बाद वापस आ जाएंगे। बड़ी यात्रा वो जो कई दिन के लिए घर से बाहर निकल रहे हैं, 10-12 घंटे का सफ़र है, उसको बड़ी यात्रा का आमतौर पर माना जाता है ऐसे। तो आप जब छोटी यात्रा के लिए निकल रहे हैं, छोटी यात्रा की सफलता के लिए आपको सूर्यदेव की शरण में जाना होगा। छोटी यात्रा जब आप करने के लिए जा रहे हैं तो यह बात का परीक्षण कर लें कि घर से निकलने से पहले आपकी सूर्य नाड़ी जागृत है, तो आपकी यात्रा में सफलता आपको निश्चित रूप से ही मिलेगी, कोई भी आपको असफल करने वाला नहीं होगा। और सूर्य नाड़ी का एक और बहुत व्यवहारिक प्रयोग है जो मैंने हजारों लोगों के साथ प्रयोग किया है, इसको आप भी करना और मुझे बताना कि कैसा रहा आपका ये अनुभव। जब कोई व्यक्ति बीमार हो, बीमार मतलब ये समझ लें कि बहुत ही कष्ट में हो, तड़प रहा हो, लगभग लगभग मैंने ऐसे भी लोगों के साथ स्वर का प्रयोग किया है, शरीर में बहुत हरारत हो रही होती है, बेचैनी हो रही हो, हाँ बेचैनी अच्छा शब्द है, बेचैनी होती है जब लोगों को बहुत ज़्यादा, और आराम नहीं मिल रहा होता बिल्कुल, शरीर में दर्द है, शक्ति महसूस नहीं हो रही, क्या करें, सांस भी ठीक से नहीं आ रही, अंदर बाहर हो जाती है कभी कभी कई लोगों की, तब सूर्य नाड़ी आपकी बहुत सहायता करेगी। जैसे ही आप सूर्य नाड़ी को जागृत करने के बाद कुछ मिनटों तक सांस को लेंगे और छोड़ेंगे, आप महसूस करेंगे शरीर आपका दोबारा से बलवान हो गया है। और यह इतना आसानी से तो होगा नहीं, जब आप चाहें कि सूर्य आपकी नाड़ी जागृत हो जाए तो इसके लिए अभ्यास करना होगा। मैंने आपको यह पहले भी बताया कि आप थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते रहें, और जैसे जितना आपका अभ्यास गहरा होता जाएगा, अभ्यास गहरे होने की क्या संकेत हैं, क्या निशानी है ये कि अभ्यास आपका गहरा हो रहा है, ये जब आपका स्वर सूर्य से चंद्र और चंद्र से स्वर जल्दी जल्दी बदलने लग जाए, अभी कुछ मिनटों का समय लगेगा, अभी मैंने आपको बताया अभी कुछ मिनटों का समय लगेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब कुछ सेकंडों में ये काम होने लगेगा, तब आप ये बात जान लेना कि अब आपका अभ्यास अच्छा हो गया है। और फिर कुछ मित्रों ने प्रश्न किया है कि वो स्वर के अनुसार काम करते हैं लेकिन दिन अच्छा नहीं जाता, मैं इन सवालों का जवाब दूंगा, अभी थोड़ा आप रुक जाओ, धीरे धीरे हम थोड़ा चलेंगे। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई लोग कहते हैं कि इंटरेस्ट नहीं आ रहा, टाइम ख़राब हो रहा है, तो मैं ये भी बात मानता हूँ कभी ऐसा भी होता है, लेकिन आप इस बात को ध्यान रखना, गणित हम जब पढ़ते हैं ना तो 2 और 2 4 होते हैं, दुनिया का हर शिक्षक उसको उसी तरीके से पढ़ाता है, कोई 2 और 2 5 नहीं कर सकता, लेकिन तब भी एक फेवरेट टीचर होता है सब बच्चों का, अरे हाँ वो गुरुजी तो, वो टीचर तो हैं, वो मैथ्स अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा बोलते हैं ना बच्चे। वो क्या है, वो शब्दों का जाल है, 2 और 2 4 कहने से पहले जो अध्यापक शब्दों का जाल अच्छा बुन पाता है वो अच्छा टीचर माना जाता है। जो सीधा ही कह देता है 2 और 2 4, बच्चे कहते हैं हाँ ये तो बहुत ही कठिन था, आसान नहीं था समझना। तो कई बार एक छोटी सी बात को भी समझाने के लिए बहुत बड़ा शब्दों का जाल बुनना होता है, तो आप उस बात को आसानी से स्वीकार कर पाएंगे, आत्मसात कर पाएंगे, तो थोड़ा धैर्य बनाने की ज़रूरत है इसमें, क्योंकि इंस्टेंट फूड नहीं है ये, इंस्टेंट फूड की जैसे फटाफट खाया और फटाफट उसको
चले गए। थोड़ा आपको धैर्य भी बना के रखना पड़ेगा, साधना मार्ग पर चलने के लिए धैर्य बहुत आवश्यक है। तो यह आज के कुछ प्रयोग थे जो कि सूर्य नाड़ी से संबंधित थे, और मैं अलग अलग करके इसका वीडियो बनाना चाहता हूँ ताकि आप आसानी से समझ पाएँ और सब कुछ मिक्स ना हो जाए। अगली बार हम चर्चा करेंगे चंद्र नाड़ी पर, और फिर एक वीडियो अलग से बनाएंगे जो कि चंद्र और सूर्य नाड़ी यानी कि सुषुम्ना नाड़ी की उपस्थिति में जो हम कार्य कर सकते हैं और हमें किस प्रकार से उसमें लाभ हो सकता है। फिर एक वीडियो इस पर भी बनाना है कि कोई आप कार्य कर रहे हैं, क्योंकि नाड़ियों पे अभी तो आपका कंट्रोल नहीं है, आपका नियंत्रण तो है नहीं, आपकी मर्जी से तो चलेंगी नहीं नाड़ियाँ, तो उस स्थिति में क्या किया जाए, वो एक कन्फ्यूज़न भी है। और उसके बाद मैं आपके सब प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो अभी थोड़ा सा और धैर्य बना कर रखें, पहले ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाने दें, उसके बाद मुझे लगता नहीं है कि फिर कोई प्रश्न रह जाएगा उत्तर देने के लिए। फिर हाँ, कृष्ण और शुक्ल पक्ष के बारे में भी आपको बताना है, और पंच तत्वों के बारे में भी बताना है कि सूर्य और चंद्र नाड़ी का संबंध उनसे किस प्रकार से है और किस प्रकार से दिन की शुरुआत करनी चाहिए। अनेक मित्रों ने यह प्रश्न भी किया है कि दिन का प्रारंभ वो स्वर के अनुसार करते हैं लेकिन दिन अच्छा नहीं जाता, तो उस पर भी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से दिन अच्छा जाए और दिन अच्छा जाना कैसा होता है। और सबसे बड़ा हमारा पहला तो उद्देश्य है कि हम स्वास्थ्य को अपने बनाए रखें, स्वस्थ बने रहें आप, और उसके बाद दिन भी अच्छा जाएगा और आपकी साधना भी उन्नत होती जाएगी। और मैं आमतौर पर कहता नहीं हूँ लेकिन अब कह देता हूँ, लेकिन क्योंकि ये अच्छा ही है लोगों के लिए, तो अब बाकी आप सुन रहे हैं जैसे मुझे, तो और भी लोग सुन पाएंगे। तो थोड़ा सा शेयर कर दो इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ जो भी थोड़े बहुत इसमें इंटरेस्टेड हों, आपको लगे ये थोड़ी जानकारी काम की थी, यूज़फुल थी तो। और थोड़ा अगर बढ़ेगा तो एक मेरा भी थोड़ा पॉजिटिव प्रोत्साहन मिलता है। और अगर कोई आपका प्रश्न हो तो आप उसे ज़रूर लिखें, कमेंट में बताएं मुझे। और इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा ध्यान के बारे में बताना चाहता हूँ। अनेक लोगों ने कुंडलिनी के बारे में भी पूछा है, कुंडलिनी जागरण में स्वर योग का क्या महत्व है और किस प्रकार से ये सहायता हो सकता है, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, तो इसलिए थोड़ा धीरे धीरे करके हम चल रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, नमस्ते। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जैसे सब लोग बोलते हैं, तो आप इसको ना करना भूलें। और अपनी साधना को उन्नत करते रहें जो कि हमारा उद्देश्य है, जीवन का उद्देश्य सिर्फ खाना पीना और मर जाना नहीं, जीवन का उद्देश्य जरूर कुछ उससे गहरा है और उसी की ओर बढ़ते हुए हमारे ये कदम हैं। आशा करता हूँ हम उसमें सफल होंगे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।